अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इलाहाबाद इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की एक नई खबर लेकर मैं हाजिर हुई हूँ दानिया खान साथ, तो साथ रहिए। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके थे कि फीस के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आ रहे हैं, बैंक्स जो हैं उनका सिस्टम डाउन हुआ है। लास्ट डेट 15 अप्रैल थी, लेकिन यूनिवर्सिटी कुछ गौर कर रही है कि इस डेट को आगे बढ़ा दिया जाए। और ये अंदर की खबर थी कि यूनिवर्सिटी लाजमी डेट बढ़ा देगी, और ये सबसे पहले ये खबर ब्रेक की हमारे चैनल ने। तो आज भी हम सबसे पहले ही ये खबर ब्रेक जा रहे हैं कि जी हाँ, यूनिवर्सिटी ने ले लिया है एक्शन और डेट हो गई है आगे। आपको बताते हैं कि क्या डेट अब यूनिवर्सिटी ने एक्सटेंड कर दी है। जैसा कि नोटिफिकेशन आपके सामने है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। बीएस, बीएड, बीए, एडी और पोस्ट ग्रेजुएट्स के तमाम प्रोग्राम लॉकडाउन की वजह से, बैंक में बहुत ज़्यादा सिस्टम डाउन होने की वजह से फ़ीस जमा नहीं करवा सके जो बच्चे, वो अपनी फ़ीस जो है वो 5 जून तक, अप टू 5 जून जमा करवा सकते हैं। और ये फीस जो है बगैर किसी जुर्माने के होगी, इसमें इजाफी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, इसमें कोई फाइन नहीं है, बल्कि ये एज इट इज़ जो आपकी जेन्युइन फीस है उसी की बात की जा रही है। और इस नोटिफिकेशन में बहुत अहम बात ये की गई है कि आप अपनी फीस को 2 इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं, यानी कि 2 हिस्सों में दे सकते हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से ये बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है स्टूडेंट्स को कि आप अपनी फीस को 2 इंस्टॉलमेंट में करा सकते हैं। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए आपको टाइम दिया गया है 5 जून 2020 तक, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है 17 जुलाई 2020 तक आपको जमा करानी होगी। इस बारे में जो है बैंक के मैनेजमेंट से भी रابطہ कर लिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से भी, और उनको भी ये मालूमात दे दी गई हैं। तो गाइस, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों की फ़ीस लॉकडाउन की वजह से रह गई थी, वो बआसानी 2 इंस्टॉलमेंट में अपनी फ़ीस को जमा करवा सकते हैं। बैंक वही है ABL, MCB, UBL और FWBL। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच। इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तमाम खबरें आप तक पहुँच जाएँ सबसे पहले, उसके लिए आपको करना होगा इस चैनल को सब्सक्राइब।